गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे आप सभी, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और अभी मैं आया हूँ पीजी कॉलेज भाई को लेके, क्योंकि उसका सुबह टाइमिंग रहता है, आप लोगों को पता ही होगा। और ब्लॉगिंग सीधा यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि घर पे टाइम नहीं मिल पाया। और आज नॉर्मल कॉलेज डे ही ब्लॉग रहेगा, तो दोस्त लोग आ रहे हैं तो उन्हीं के साथ चलूँगा अंदर। और घर पर भी कुछ काम चल रहा है शायद, तो उसी को देखेंगे आज। तो चलो चलते हैं, अभी फिलहाल दोस्त लोग आएंगे फिर अंदर चलेंगे यहाँ से। अभी तो पता नहीं उन लोग कहाँ हैं, अभी कॉल वॉल करता हूँ उन लोगों को, फिर देखते हैं यार। यहाँ पे मिल चुका है अपने गांव का प्रताप, आज इसका कोचिंग सेंटर बना है तो आज ये क्लास ज्वाइन करेगा। कैसे भाई? हाँ, तो अभी अभी ये जाएगा क्लास थोड़ी देर में, अभी नहीं मतलब 10 बजे के आसपास लगता है इसका क्लास। तो अभी आ रहे हैं अजीत लोग, तो उसके साथ चलेंगे अभी क्लास के अंदर। तो गाइस बाकी के दोस्त भी आ चुके हैं वहाँ पे, है स्टैंड पे, तो चलो मिलते हैं उन लोगों से। अभी दोस्त लोग आ गए हैं और अभी चलते हैं अंदर की ओर, इन लोगों के क्लास आते हैं, इन लोगों के क्लास तरफ से चलता हूँ यहाँ से। उन लोगों का क्लास का टाइम हो गया था, हम लोग बाहर में ही खड़े थे, तब मैम आ गई और वो लोग चले गए क्लास अटेंड करने के लिए। और क्लास साइड का वीडियो नहीं बनाया यार, क्योंकि अच्छा नहीं लगता अब। और अभी चलो चलते हैं भाई, मेरे क्लास का भी टाइम हो रहा है, तो चलो चलते हैं सीधा मेरे क्लास। सो गाइस चलते हैं अभी यहाँ से। गाइस अभी मैं पहुँच चुका हूँ अपने क्लास अटेंड करने के लिए और मिलता हूँ आपसे क्लास के बाद। अभी काचू एक सेकंड में, सेकंड में मतलब 5 सेकंड में कैसे बनाते हैं ये अभी काचू तैयार हो चुका है। आज अभी मेरा क्लास खत्म हो चुका है, अब चलता हूँ पीजी कॉलेज, भाई को लेके जाऊँगा सीधा घर यहाँ से। तो चलो चलते हैं अभी पीजी कॉलेज। यहाँ पे एक दोस्त ने बुलाया था तो चला गया था, और भाई भी आ रहा है पीछे में, तो चलो चलते हैं यहाँ से घर, चलते हैं यहाँ से अभी। सो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ कॉलेज साइड से और अभी चलता हूँ खेत, देख के आता हूँ वहाँ का क्या स्टेटस है, क्योंकि धान वान को लाने वाले थे यहीं पे आसपास में। तो चलो चलते हैं अभी फिलहाल खेत, देखते हैं वहाँ का स्टेटस। सो गाइस अभी मैं पहुँच चुका हूँ खेत साइड और देखो भाई धान वान को बांध लिए हैं, फिर इसको जो पीछे हम ट्रैक्टर दिख रहा है ना उसमें डालेंगे, और धूप बहुत है भाई। सो गाइस पीछे का सीन देखो, ये देखो धान को बांध लिए हैं और इतना बचा है अभी, और यहाँ ट्रैक्टर में इसको लोड करेंगे, फिर इसको घर लेके जाएंगे। गाइस जो उस साइड का खेत है वो बड़े पापा लोगों का है, वो लोग भी अभी लोड कर रहे हैं। यहाँ पे देखो ट्रैक्टर दिख रहा होगा हल्का से। मैं आ चुका हूँ खेत साइड से घर, और अभी फिर जाना पड़ेगा खाना वाना खा के वहाँ पे काम करने के लिए। और बोलोगे कि खेत के इतना क्यों दिखाते हो बोल के, तो मैंने ब्लॉगिंग वहीं से स्टार्ट किया था, ले दे के हिम्मत जुटा के कैमरा वैमरा उठा के ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी। पहले खेत को ही दिखाया था, तो वही अब कम्प्लीट हो रहा है वो, तो उसी को कम्प्लीट कर देता हूँ। और ये लाइट भी गोल हो गया, तो चलो मिलते हैं फिर खाना वाना खाने के बाद। सो गाइस अभी मैंने खाना वाना खा लिया और तैयार हो चुका हूँ खेत जाने के लिए, और काम वाम भी करना है, तो आज होने वाला है हालत ख़राब, तो चलो चलते हैं अभी खेत। अभी पहुँच चुके हैं खेत के पास और अभी करना है अपने को नीचे में काम, तो चलो चलते हैं। तो बड़े पापा लोगों का लोड हो भी चुका है ट्रैक्टर में, दिख रहा होगा, तो और चलो भाई चलते हैं नीचे अभी। तो गाइस अब इसको बाहर निकालना है, इसको तो बांध चुके हैं धान को, देखो। सो गाइस अभी धान को तो बांध लिए, इसको बोलते हैं बीड़ा, तो बीड़ा को बांध लिए, तो अब इसको ऊपर में ले जाएंगे, फिर इसको लोड करना पड़ेगा ट्रैक्टर के ट्रॉली में, फिर इसको लेके जाएंगे घर। और उधर देखो पीछे बड़े पापा लोगों का हो चुका है, वो पैक हो चुका है, बस बांध रहे हैं ऊपर को ताकि चलते वक्त गिरे ना बोल के, पूरा कम्प्लीट कर लिए वो लोग भी, अब लेके जाएंगे वो लोग घर अभी। और हम लोगों का अभी मेहनत करना बाकी भाई अभी। सो गाइस अभी लगभग आधा बीड़ा उठ चुका है और आधा बचा है उधर का, तो उसको चलो करते हैं जल्दी काम कंप्लीट, फिर घर जाएंगे जल्दी यहाँ से। गाइस अभी 25% बचा है और ये देखो ट्रैक्टर फुल होने वाला है अभी, और अभी दूसरा ट्रैक्टर मंगाना पड़ेगा मेरे ख्याल से, और अभी दिमाग ख़राब हो चुका है पूरा। और यहाँ सनसेट। सो गाइस अभी टाइम हो गया 5:20 और अभी थोड़ा सा बचा ही है, देखो लास्ट में थोड़ा थोड़ा दिख रहा है ना, थोड़ा सा बचा है। और अपना चेहरा इसलिए दिखा नहीं रहा हूँ क्योंकि देखने लायक नहीं है, पूरा तर बतर हो गया हूँ भाई। और उधर एक ट्रैक्टर का ट्रॉली है, उसमें एक ठो को पहुँचा के आए, एक ठो में अभी लोड और हो रहा है क्योंकि थोड़ा सा बच गया था, अभी ये इतना ही बचा है, बाकी सब इधर का क्लियर हो चुका है, तो चलो करते हैं इतना को पहले। आखिरकार ट्रैक्टर निकल रही है अभी, और अभी समय हो रहा है भाई 6 बज रहे हैं अभी, बहुत लेट हो गया आज तो। और आता मैं तालाब से थोड़ा। गाइस अभी टाइम हो रहा है 6 बज रहे हैं और फाइनली घर पे ले आए हैं हम लोग धान को, और भाई बहुत लेट हो गया आज तो अभी देखते हैं भाई अनलोड करेंगे इसको अभी ट्रैक्टर में है। ये देखो अभी ट्रैक्टर में इसको अनलोड करना पड़ेगा ऐसी। गाइस अभी मैं फ्रेश सो चुका हूँ और अभी समय हो रहा है 7:15 और धान वान का काम मिसाई विसाई का कल होगा,
और ब्लॉग को करूँगा यहीं पे एंड। वैसे तो अभी मैं जाने वाला हूँ स्कूल की तरफ जहाँ पे NSS लगा है कैंप, लेकिन बोलते हैं वहाँ पे कि बाहर के लोग रिकॉर्डिंग वगैरह मत करो, तो वरना दिखाता हूँ कुछ। तो ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आप सबको ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करें, नहीं तो सब्सक्राइब करें। बाय बाय। चुके हैं अभी घर। और भाई कहाँ बताऊँ, आज के दुखला भारी दुखला किस्मत ऐसे खतरा।